2019, 18, 17 हम पीछे चलते चलेंगे, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेल टू ज़ूलॉजी 2019 के लिए पहला क्वेश्चन आया है, ठीक है। आंसर दिया हुआ है लेकिन आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पॉसेसेस द टू चेम्बर्ड हर्ट। टू चेम्बर्ड हर्ट किस में पाया जाता है जी? टू चेम्बर्ड हर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये, अगर याद करो टू चेम्बर्ड हर्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनसे पहले पाया जाता है। एम्फीबियन से पहले पीकॉक नहीं पाया जाएगा, ब्लू व्हेल मैमल्स होता है, कैमिलियन इसमें भी नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा किसमें, गोल्ड फिश में, ठीक है, जो कि टू चेम्बर्ड हर्ट फिश में पाया जाता है, टू चेम्बर्ड हर्ट। उसके बाद बात करते हैं इन यूकैरियोट, इन द यूकैरियोट क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन सेल्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम एट द लोकेशन एट विच लिंकर डीएनए इंटर्स एंड लीव्स द न्यूक्लियोसोम्स। क्या होगा जी? ये आपका S2A, S2B तो कोर बनाता है, S3B कोर बनाता है, ये सब तो होंगे नहीं, ये सारे कोर्स बनाते हैं। ये आपका क्या है, H1 जो कि लिंकर का काम करता है, लिंकर का काम करता है डीएनए की एंट्री और वो सारी चीजें। आंसर जो हो जाएगा H1। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट कॉजेज द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है। सो ये सारे क्या है, वुकेरिया ब्रोंकाफ्टाई कॉज करता है, ब्रूजिया कॉज करता है, ब्रूजिया टिमोरी कॉज करता है, ये आपका जो होता है मैंसोनेला, ये आपका कॉज नहीं करता फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज नहीं करता, ठीक है। सो ये आपके कुछ डिजीजेस, एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी ह्यूमन डिजीजेस हैं जो कि चाहे पैरासिटिक हो चाहे कौन क्या कॉज करता है, ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस के एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, ठीक है। ह्यूमन डिजीजेस कॉज जो करता है, इट्स ऑल्सो ऑड वन आउट, यस यू कैन यूज द ऑड वन आउट, ठीक है, इट इज द ऑड वन आउट। ये ह्यूमन डिजीजेस जरूर लर्न कर लेना जो लोग जूलॉजी को टारगेट कर रहे हैं और जो लोग माइक्रोबायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं वो भी, ठीक है। सो नाउ अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है, द स्पीसीज एडॉप्टेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून अपूर्वा। स्पीसीज एडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक हैबिटेट, स्पेसिफिक हैबिटेट को करने वाला क्या बोलते हैं, इसको को टाइप कहते हैं। जो अलग अपने टाइप बना लेता, अपना एक स्पेसिफिक हैबिटेट बना लेता, उसको बोलते हैं इको टाइप। नाउ द फिफ्थ नंबर, द फाइलम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनिमल हैविंग द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जी जो कि पानी में पाया जाएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या निडेरिया में होगा, एनेलिडा में होगा, मोलस्का में होगा, ये होगा इकाइनोडार्मेटा जिसमें कि पूरा का पूरा वाटर में होता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन द इकाइनोडार्मेटा। चलो बढ़िया है, आगे मूव करता हूं मैं। यहां तक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं या टफ? 5 क्वेश्चन आपने देखे, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। आप देख रहे होगे कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। सो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर लर्न करोगे। नाउ सी, अब देखना क्या है, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड पे जो फिंचेस पाए जाते हैं वो किस चीज के हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस के। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द गैलापागोस फिंचेस जो होते हैं वो एडेप्टिव रेडिएशंस के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब है कि कहीं पे गए और वहां के अकॉर्डिंग, वहां के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडाप्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में मॉडिफिकेशंस ले आया, तो वो होता है एडेप्टिव रेडिएशन। नाउ ये आंसर जो हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन का फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नेम्ड एज द लिविंग फॉसिल्स वेयर द एनिमल इज persisting above 400 million years without further major morphological evolution, king crabs, प्रोसेलियन कैप्स, हॉर्सशू कैप एंड हर्मिट कैप्स। जो हॉर्सशू कैप्स होते हैं, हॉर्सशू क्रैप्स जो होते हैं, ये आपके लिविंग फॉसिल्स की तरह एक्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल याद रखिएगा, जो हॉर्सशू कैप्स होते हैं दे एक्ट एज अ लिविंग फॉसिल्स। कैसे एक्ट करते हैं, लिविंग फॉसिल्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है जी, लिविंग फॉसिल्स की तरह यूज होते हैं हॉर्सशू कैप्स जो होते हैं। चलो आगे मूव करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड नून स्टेला। प्रोटीन के ऊपर चार्ज बताना है। जितने भी अभी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ये जो न्यूमेरिकल वाले डिस्कस है, जो नेट टाइप के क्वेश्चन है, नेट टाइप के जो क्वेश्चन है, ये आपके अभी मैं कुछ देर बाद डिस्कस करने वाला हूँ। सारे समरी करके अभी डिस्कस करूंगा मैं एक साथ नेट टाइप के क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 11 कॉलम 1 और कॉलम 2, इसको भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ये जितने भी नेट टाइप के क्वेश्चन, पता है ना, जी सारिका, वेलकम टू दिस सेशन। नेट टाइप का क्वेश्चन पता है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। ये अभी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको डिजिट पुट करनी होती है, ठीक है, जिसको आपको डिजिट पुट करनी होती है। नाउ मैच ऑफ द गिवन विटामिन्स इन द कॉलम वन विथ रिलेटेड प्रोटीन्स इन द कॉलम टू। नाउ विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन सी जो होता है, वे क्या होता है, विटामिन सी आपका ये थ्रोम्बिन, रोडोप्सिन, पायरुवेट, डिहाइड्रोजिनेज, प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज। क्या बता, प्रोलील कोलेजन में, कोलेजन की जो फॉर्मेशन होता है उसमें प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज यूज होता है, प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज यूज होता है। तो ए का फोर्थ होना चाहिए, और ए का फोर्थ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद बी का फर्स्ट भी है, बी का फर्स्ट भी है। अब सी देखते हैं, सी विटामिन ए है। विटामिन ए रोडोप्सिन में यूज होता है या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में यूज होता है। इट यूजेस इन द रोडोप्सिन, रोडोप्सिन में यूज होता है। तो दो आएगा, ये आ जाएगा टू, दैट इज व्हाट द वन आंसर। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, आंसर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से कुछ चीजों को कर सकते हो। देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और गुड नून उर्वशी कश्यप। मैच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉलम फर्स्ट विथ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इन द कॉलम सेकंड, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉलम फर्स्ट एंड एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इन द कॉलम सेकंड। अगेन देखना, स्प्लाइसियोसोम का काम क्या होता है, ये आपके स्प्लाइसियोसोम, परऑक्सीसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, सेल स्कैवेंजर्स होते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है, सेल स्कैवेंजर होता है। लाइसोसोम क्या होता है, सेल स्कैवेंजर होता है। परऑक्सीसोम्स के बारे में बात करते हैं, सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल से जाएगा। तो C का फर्स्ट दिख रहा है, C का फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, D का थर्ड दिख रहा है, D का थर्ड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। C का फर्स्ट एंड D का थर्ड B में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर कंफ्यूजन होता भी है कि क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है, स्प्लाइसियोसोम जो होता है ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए होगा, परऑक्सीसोम मेटाबॉलिज्म के लिए होगा। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, एगोनिस्टिक बिहेवियर, हिरारिकल बिहेवियर, एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर, कोऑपरेटिव बिहेवियर, जो कि अपने फिटनेस को ज्यादा कहते। देखना यहाँ पे क्या है, द इंडिविजुअल बिहेवियर वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ। ये क्या होता है, ये एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर है। सीधा सीधा आपने देखा हो, एल्ट्रिज्म मतलब बहुत ज्यादा दयावान। क्या होता है, बहुत ज्यादा दयावान होता है, जो कि अपने कॉस्ट के बेसिस पे दूसरे को बेनिफिट करे, इसको बोलते हैं। सी का फर्स्ट होना चाहिए, और सी का फर्स्ट आपको सी ऑप्शन में नजर आएगा और बी ऑप्शन में नजर आएगा। आ रहा है नजर? सी का देखिएगा, एल्ट्रिस्टिक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एनहांसमेंट ऑफ द म्यूचुअल फिटनेस, एग्रेसिव बिहेवियर विद इन द पॉपुलेशन एंड एक्सटेंस डिफिकल्ट लेवल ऑफ डोमिनेंस विद इन द पॉपुलेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ डोमिनेंस। ओके, हिरारिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आंसर देखो और कंफ्यूजन देखो। आंसर के बारे में बात करते हैं। क्या वॉइस ब्रेक सबके साथ हो रही है? जो इंडिविजुअल बिहेवियर वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, ये एल्ट्रिस्टिक होगा कि नहीं होगा? सी का पहला दिख रहा है, सी का आपको पहला दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है दैट इज आंसर इनकरेक्ट दिया हुआ। सी का फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, सी का फर्स्ट होना चाहिए। और डी के बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाट द डी, कोऑपरेटिव बिहेवियर, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स, म्यूचुअल फिटनेस की बात करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे, ये यही होना चाहिए। डी का सेकेंड होना चाहिए, तो आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, ना कि। गाइस माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। सो अनअकैडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विथ मी वीरेंद्र सिंह ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरियस बैच कोर्सेज इज रनिंग बैच 2, 5 एंड 7। इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सर्डेज बायलैंग्वेज आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनअकैडमी के साथ। 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप रेफर कोड वीरेन और वीरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हरी अप गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज़ द रेफरल कोड वीरेन और वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।